सलाम सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्लेजर मॉम शालनी पर। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और प्लीज़ गाइस, वीडियो स्किप मत करना, मैं जो कहना चाह रही हूँ प्लीज़ मेरी बात सुनिएगा। तो मैं, जैसा कि आज आपने टाइटल पढ़ा, मैं उसी के बारे में बोलना चाह रही हूँ। ये एक बात बताइए हमें कि हम जो किसान होते हैं वो पागल होते हैं क्या? है अनपढ़, गंवार, जाहिल, गंदे लोग, गोबर उठाते हैं, गंदगी करते हैं, और पता नहीं क्या, गंदे गंदे कपड़े पहनते हैं, मिडिल क्लास लोग, ये वो है। तो एक बात बताइए, मैं सभी को नहीं कहना चाह रही, कुछ शहर के लोग अच्छे होते हैं, पर जो अपने आप को ज़्यादा ही स्मार्ट और मतलब अच्छी हाई क्लास वाला समझते हैं, मैं उन लोगों के लिए बोलना चाह रही हूँ। हम जो किसान होते हैं ना, हमारी वजह से ही तुम्हारे पेट चलते हैं। अगर हम खेती ना करें ना, तो आप लोग भूखे मर जाएं। अगर हम गाय भैंस ना पाले ना, तो आपके बच्चे दूध भी ना पी पाएं। हम जब गांव में ये सब करते हैं ना, तभी शहरों में जाता है, तभी शहरों में सप्लाई होती है। हम गंदे कपड़े पहनते हैं, गोबर उठाते हैं, खेत गंदी मिट्टी में काम करते हैं, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो हम लोगों की वीडियोस मत देखो। हम यूट्यूबर जो होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, भाई हमारा काम होता है हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो आपसे शेयर करें। हाँ, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग हमें गंदे गंदे कमेंट करोगे। जैसा कि आपने बाहर देखा थंबनेल पे, जो हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर जो है, ये भी गांव से ब्लॉग करती हैं। और आप इनके बारे में जानोगे ना, ये एक ऐसी यूट्यूबर है जिनका 3 महीने में चैनल मोनो हो गया। इनका जो है मतलब इन्होंने एक वीडियो बनाई थी दिवाली पर, वो वायरल हो गई थी, तो इनका 3 महीने में ही इनका चैनल मोनेटाइज हो गया। और ये भी गांव से बिलोंग करती हैं, पशु पालती हैं, सारे काम करती हैं। और ये इतनी, इनके बारे में आप जानोगे ना, अगर आप शायद जानते हो और वीडियो देखते हो, तो आप खुद जानते होंगे कि वो कैसी हैं। वो इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, वो मुझे रिप्लाई भी करती हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे वो इतनी अच्छी हैं। मैंने बस एक बार उनकी वीडियो पे एक ऐसा कमेंट किया था, मैंने कहा था दीदी आप कितना काम करते हो और मैं भी कितना काम करती हूँ, है ना, हम दोनों की लाइफ यही है, मैं आप गाय भैंस पालते हो, मैं बच्चों को, सॉरी गाइस, ये कर्टेन उड़ रहा है, हवा चल रही है, तो आप भी मतलब मैं भी पशु पालती हूँ, हमारे घर पे हम भी किसान हैं, मैं सिलाई वगैरह, मैंने उन्हें अपने बारे में बताया, उन्हें मेरी बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरा जो कमेंट है पिन कर दिया, ठीक है ना। तो वो मेरा लक था, है ना, क्योंकि मैं एक बिगनर हूँ, मेरा लक था। मैंने उनको मतलब, उन्होंने इसलिए किया कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और मुझे भी कोई हेल्प मिले, तो वो मेरा लगता, मुझे जो मिलना था वो मिल गया, ठीक है। जितने भी सब्सक्राइबर मिले, हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे 5-6 सब्सक्राइबर मिले उनके चैनल से। हाँ, और वो डेली मतलब हर किसी के कमेंट रीड करती हैं, बस रिप्लाई नहीं दे पाती, उन्होंने बस हार्ट दे दिया तो समझो कि रिप्लाई दे दिया। तो मैंने उनके कमेंट्स में देखा, मैं रीड किया, तो एक बंदा उन्हें डेली इतने गंदे कमेंट कर रहा था उनके बारे में कि जाहिल, गंवार, अनपढ़। तो भाई वो अनपढ़ हैं, वो अपने लिए हैं, वो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगी। हाँ, और वो पशु पाल रही हैं, खेती कर रही हैं, घास वगैरह काट के लेके आ रही हैं, वो अपने अपने लिए कर रही ना, अपने बच्चों के लिए कर रही, वो इस जरिए से मेहनत कर रही है। तुम भाई पढ़े लिखे शहर के हो, तो भाई तुम कुर्सी पे बैठ के अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, तो अगर आपको उनके बारे में नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उनकी वीडियो वॉच मत करो। हाँ, अगर आपने, मैं उस पढ़े लिखे इंसान से, अगर शायद वो वॉच करे, मुझे नहीं पता कि वो वॉच करेगा या नहीं करेगा, और या मेरे चैनल पे है या नहीं है, तो एक बात बताइए, उनको तो आपने अनपढ़ बोल दिया है। अगर मैं अपने बारे में कहूँ, मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ,
अगर आप मेरे बारे में जाने, मैंने सबको बता रखा है मैं पढ़ी लिखी हूँ, ट्यूटर हूँ, टीचिंग भी करती थी, अभी 2 साल से छोड़ रखी है, शक्ल सूरत भी भगवान ने अच्छी खासी दी है मुझे, इतनी भी बुरी नहीं है, सारे काम मुझे आते हैं। तो अब आप मुझसे कहो कि मैं किस क्लास में मतलब बैठ सकती हूँ, मतलब किस क्लास में फिक्स हो रही हूँ, कौन मिडिल क्लास में, हाई क्लास में। भाई तो ये हमारा पहनावा है, हम गांव में रहते हैं, ये हमारा काम है, अगर हम ये काम ना करेंगे ना तो सिटी वाले कुछ भी नहीं है हमारे बिना। तो भाई मैं सभी यूट्यूबर से और जो भी मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत लिखिए, ठीक है। हमको सबको पता है कि हम YouTube पे क्यों आए हैं, भाई साफ बात है, मैं तो साफ कहती हूँ, भाई मैं भी पैसा कमाने आई हूँ, मैं मेरी लाइफ में ऐसा क्या है सो मैं आपको दिखाऊंगी, पर भाई सभी पैसा कमाने आए हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, सभी पैसे के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो गंदा भी मत बोलिए। हम किसान हैं, हम अपने आप पे प्राउड फील करते हैं कि हमारी वजह से ना सबके पेट भरते हैं, हमारे हम जो मेहनत करते हैं ना उस मेहनत का नतीजा सबके पे मतलब सबकी हेल्थ पे दिखाई देता है, ना घरों में जाता है, दाल है, चावल है, तेल है, अगर हम ये फसलें ना करें ना तो कुछ ना मिले। तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करती हूँ, अब हाथ तो नहीं जोड़ सकती, एक हाथ में फ़ोन लगा हुआ है, तो प्लीज़ बस आपसे यही कहना चाहती थी कि प्लीज़ 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 अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें हक भी नहीं है कि हम उसके बारे में गंदा बोलें। पता है ये कहावत तो रामायण और भागवत में भी कही गई है कि एक बुराई भी, बुरा करना भी और बुराई भी, बुरा करना तो है ही पाप, पर किसी की बुराई करना भी एक पाप के समान होता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी सभी से कि आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलिए। वो बहुत ही अच्छी हैं, वो हिमाचल से ब्लॉग करती हैं और अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही है, और वो मतलब वो पता है किसी को डांटती भी है ना तो इतने प्यार से डांटती हैं कि उनका डांटना ये लगता है कि वो उसे प्यार कर रही हैं या प्यार से समझा रही हैं या डांट रही है। अगर उन्हें गुस्सा भी आता है ना तो वो जाहिर नहीं होने देती हैं, हंसते हंसते उस सामने वाले बंदे से बात भी कह देती हैं, और बस। तो भाई हम किसान हैं तो हमारा ये काम है। तो आज के वीडियो में बस मैंने उन्हीं दीदी के लिए बनाया था कि वो कितनी अच्छी है ना, और भाई मैं भी किसान हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, तो क्या मैं भैंस नहीं पाल सकती हा? क्या मैं गोबर नहीं उठा सकती? उठाती हूँ, क्यों नहीं उठाती भाई। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही थी। तो मैं उन दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनकी हर वीडियो वॉच करती हूँ, और मैं उन दीदी के लिए ही नहीं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो यूट्यूबर हैं और जो भी किसान हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी बंदा किसी किसान के बारे में ऐसा बोलता है, गांव के लोगों के बारे में ऐसा बोलता है, तो प्लीज़ सोच समझ के बात करें। अगर किसान ना हो ना तो ये शहर वाले कुछ भी ना हो, क्योंकि उन्हें मेहनत तो बस इतनी करनी है। मैं ये नहीं कहती कि वो मेहनत नहीं करते, वो भी सुबह निकलते हैं, रात को घुसते हैं, है ना, और उनके बच्चे भी उनसे दूर रहते हैं, पर फ़र्क हमारा ये है कि उनका कलम वाला काम होता है और हमारा मिट्टी वाला, खुरपी वाला, पावड़े वाला ये काम होता है ना। तो आशा करती हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपको मेरी ज़रा सी भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। धन्यवाद।